ओम खड़गम चक्रगदेशु चाप परिघाम चोलंबुशुण्डिं शिरा शंखं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाद दशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय जो हमारा है वो है धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगा योग, जो इन दिनों ग्रहों के योगा योग बन रहे हैं। और आज का विषय हमारा जो है वो है षडाष्टक योग, जो इन इस दौरान गोचर में मंगल के परिवर्तन के कारण बन गया है। केवल शनि मंगल का ही गोचर षडाष्टक योग की तरफ नहीं ले जा रहा है, इसके साथ साथ मंगल राहु के साथ भी जो षडाष्टक योग बना रहे हैं वो भी एक कष्ट की स्थिति बना रहा है। अशुभ ग्रहों का षडाष्टक योग कभी शुभ नहीं देता है। और इस वक्त बृहस्पति महाराज भी जो मंगल के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं वो शुभ है, लेकिन फिर भी वहां पर राहु का जो योग बन रहा है विशेष तौर पे बृहस्पति के साथ, उस शुभत्व को आगे आने नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि धनु राशि वालों के लिए कैसा योग बन रहा है। देखिए, धनु राशि वालों का स्वामी होता है बृहस्पति। अब चाहे धनु लग्न है आपकी या धनु राशि है, दोनों के हिसाब से इस गोचर के प्रेडिक्शन को आप समझ सकते हैं। कई लोगों का मत यह है कि केवल राशि के अनुसार से ही गोचर को दिखना चाहिए, लेकिन हमने ऐसा अनुभव किया है कि विशेष तौर पर कई ग्रहों के प्रभाव से आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाला है वो सारी बातें आपको समझते हुए कार्य करने की जरूरत है। यहाँ पर धनु भार राशि में विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो जो योग बन रहा है पंचम भाव में राहु के साथ बृहस्पति चल रहे हैं, गुरु चांडाल योग चल रहा है। और मंगल महाराज दशम भाव में आ गए हैं। दशम भाव में मंगल के आने के कारण से जो मंगल का परिवर्तन हुआ, अभी 18 अगस्त को भाग्य में चल रहे थे, भाग्य में विशेष तौर पर आगे बढ़कर उन्होंने कन्या राशि में प्रवेश किया और कन्या राशि में प्रवेश करने के साथ साथ दशम भाव में स्थित हुए। और दशम भाव में आने पर मंगल और शनि का षडाष्टक योग बन गया और मंगल और राहु का षडाष्टक योग बन गया। ये दोनों के दोनों मंगल और शनि जो बात करें कि कहां एक त्रिकोणात्मक योग बन गया है बड़ा विचित्र प्रकार से। आप देखें किस प्रकार का योग बन रहा है कि मंगल बैठे हैं और मंगल से छठे भाव में शनि महाराज चल रहे हैं और वक्र स्थिति में चल रहे हैं। पराक्रम के भाव में शनि वक्री चलना, यानी आपको जो प्रयास करना है इस तरफ, अब प्रयास दूसरी तरफ ले जा रहा है शनि आपको। शनि की दृष्टि जो है वो इस वक्त उत्तराभिमुख है। उत्तराभिमुख दृष्टि क्या होती है, वो उत्तर भाव में जाकर कई प्रकार से कष्ट देने के योग बना देते हैं। पराक्रम में कई प्रकार से कष्ट देने के योग दे, पराक्रम सही दिशा में हो ही नहीं पा रहा। यदि सही दिशा में काम हो नहीं पाएगा तो कैसे रास्ता बनेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। प्लस आपका जो लग्नेश है, आपकी राशि की जो स्वामी है, वो विशेष तौर पर बृहस्पति है और वो राहु के ग्रास में चल रहे हैं। और पिछले करीब करीब 15 महीने से ऊपर समय हो गया है ये राहु के लगातार चलने से बृहस्पति का शुभ प्रभाव जो आपके लग्न पे पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ पा रहा है। और इस वक्त तो मंगल की दृष्टि भी विशेष तौर पर पूरी दृष्टि जो है अपने राशि पर पड़ रही है और बृहस्पति वहां बैठे हैं, लेकिन राहु के साथ होने के कारण से उसका पूर्ण प्रभाव फल मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि आपको भाग्य से कई कष्टों के सामना करना पड़ सकता है, कई प्रकार के योग कष्ट में दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मंगल यहाँ परिवर्तन करके आपकी हिम्मत को बांधे रखे हुए हैं। आप अपनी हिम्मत से बहुत ही संघर्ष करके बहुत सारी चीजों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मंगल पूर्ण शक्ति देर प्राप्त करा रहा है, लेकिन 24 सितंबर को मंगल भी हो जाएंगे अस्त। कुछ दिन के लिए मंगल अस्त हो जाएंगे और ये फिर ग्रहों की स्थिति को विकट और ज्यादा कर देंगे। तो आपको अपने अपने कार्य को और ज्यादा सुचारू रूप चलाने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको कर लेने चाहिए जो आपके कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। ऐसे में सबसे श्रेष्ठ उपाय जो आपके लिए हमें दिखाई देता है वो मंगल को प्रसन्न करने का प्रयास। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कोशिश करें उनको चूरमे का भोग लगाएं और विशेष तौर पर उनको चूल्हा चढ़ाएं। ये सबसे पहला उपाय विशेष तौर पर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और राहु और बृहस्पति के साथ जिस प्रकार का योग बना रखा है राहु ने, और वो आपको षडाष्टक योग मंगल के साथ बन रहा है, शनि महाराज तृतीय बैठकर दशम भाव में मंगल के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं, ये भी एक कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में इनके निवारण के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय हनुमान जी का उपाय, शनि और मंगल के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन राहु के लिए आपको भगवान शिव का उपाय करने की जरूरत है। बड़ा श्रेष्ठ उपाय है, प्रदोष काल में, हर रोज जो प्रदोष काल होता है सूर्यास्त के बाद करीब करीब 2 घड़ी 48 मिनट का जिसमें होता है, ऐसे में भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करना, तिलाभिषेक करना किसी प्रकार से दोनों, या तो तेल के द्वारा या तिल को पानी में डालकर उससे भगवान का अभिषेक करें। ये दोनों से
उससे राहु के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अच्छा युग बन सकता है। परिवर्तन कब तक आएगा, यह भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना चाहिए। देखिए परिवर्तन, आज ग्रह भारी हैं तो कल परिवर्तन की तरफ भी जाएंगे। बादल बहुत लंबे समय तक घिरे नहीं रह सकते, परिवर्तन है, चलायमान है, तो उस ग्रहों का परिवर्तन होगा। सबसे पहला परिवर्तन आपको स्वयं देखने को मिल सकता है, जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है उसके अनुसार से 3 अक्टूबर को ये महाराज मंगल जो है वो आगे निकल जाएंगे, दशम भाव में चले जाएंगे। तो राहु के साथ जो प्रकार का योग, मंगल के शनि के साथ जो योग बन रहा है वो निकलकर षडाष्टक योग जो है वो समाप्ति की तरफ जाएगा, वो आपको बहुत रिलीफ देने के योग बनाएगा। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो बहुत रिलीफ, मैक्सिमम जिससे रिलीफ प्राप्त होगी, वो होगा 31 अक्टूबर का दिन। उसमें राहु महाराज पूरी तरह से परिवर्तित हो गए, बृहस्पति को छोड़ देंगे और बृहस्पति पूरी तरह से बहुत सुंदर योग बनाकर आपको लाभ देने की स्थिति बनाएंगे। उन दिनों मंगल भी पूरी तरह से बृहस्पति को देख रहे होंगे, उनके ग्रह भाव में बैठे होंगे और राहु हट चुके होंगे, वहां पर पीछे चले गए होंगे राहु महाराज चतुर्थ भाव में, और बृहस्पति का पूर्ण शुभ फल आपको प्राप्त करने के योग बनेंगे। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये सारे के सारे मार्च तक का पीरियड, अप्रैल तक का पीरियड होगा, वारे न्यारे करने के योग बना सकता है बहुत सुंदर तरीके से। एक और उसके बाद परिवर्तन होगा, 4 नवंबर को शनि महाराज परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। ये सारा का सारा आपकी हिम्मत को सही दिशा में लाने के योग बना सकते हैं। तो ये ग्रहों का परिवर्तन है, लेकिन उससे पहले जो ये स्थिति चल रही है, इसमें आपको सावधानी के साथ जो उपाय हमने बताए उसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ज्योतिष आपको सिद्धांत तौर पर समझाता है, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि भैया मेरे साथ ही कष्ट क्यों आ रहा है। अरे आपके भाग्य के अनुसार से ग्रहों का योगायोग चल रहा है, उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्या कैसे घटनाएं घटने के योग बन रहे हैं। तो ये ज्योतिष एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, ग्रहों की दृष्टि को समझते हुए ज्योतिष का जो अन्वेषण किया जाता है, ग्रहों का की गणनाओं को समझते हुए कार्य किया जाता है, उससे द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें कोई कपोल कल्पित कल्पना नहीं है, जो सिद्धांतिक बात है वो सिद्धांतिक तौर पर आप समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से रास्ता निकल जाएगा। समय है, परिवर्तन के योग बना रहा है, परिवर्तन से रास्ता भी मिलने के योग बनेंगे। इन दिनों शनि को एक बात और समझ लेना चाहिए, शनि की दृष्टि उत्तर दिशा के दृष्टिकोण से है, तो वहां पर जो आप पूरे विश्व में जो आप देख रहे हैं उत्तर क्षेत्र में कई जगहों पर बहुत भयावह स्थिति बनी है, युद्ध की स्थिति बन रही है, और आने वाले समय में शनि मंगल का जिस प्रकार का योग बन रहा है, शनि राहु का जिस प्रकार का योग बन रहा है, वो महंगाई की मार और तोड़ सकता है, महंगाई की कमर कष्ट और दे सकता है, तो ये कष्ट का योग बना सकता है। इससे राज्य स्तर में भी कई प्रकार की उठापटक होने के योग बनते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के योग भयावह स्थिति में जा सकते हैं, ये साफ साफ योग दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार का पूरे विश्व में जो वातावरण बना हुआ है, आप समझे, ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये आने वाले समय में कुछ और प्राकृतिक आपदाएं, आने वाले 2 महीनों में जब तक शनि और राहु का, और विशेष तौर पर ये योग बनेगा शनि मंगल राहु का जिस प्रकार का योग बना है, ये प्राकृतिक आपदाओं का, आतंकवादी घटनाओं का, और प्राकृतिक आपदाओं में चाहे वो वर्षा से हो, चाहे वो भूचाल से हो, चाहे वो विस्फोट से हो, ये सब कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। महंगाई थोड़ा सा कष्ट और देने के योग बना रही है, जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, कई प्रकार की चीनी इत्यादि में, बहुत सारी और चीज़ों में महंगाई की स्थिति और ज़्यादा विकट हो सकती है। थोड़ा ध्यान रखते हुए, अपनी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, और साथ साथ आतंकवादी घटनाएं भी कष्ट देने के योग दे सकती हैं। ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार का योग बना रहा है वो हमने आपके समक्ष रखा, परिवर्तन का योग भी बताया कि कैसे कैसे परिवर्तन का योग बनेगा, और आप भविष्य में देखेंगे ये ज्योतिष की जो घटनाएं हमने बताई हैं वो आपके समक्ष आने के साफ साफ जो हमें दिखाई दे रहे हैं, और उन चीज को समझते हुए हमने आपको बताया है कि घटनाएं घटनों के योग जो है वो साफ साफ आपको दिखाई देंगे। तो हम आशा रखते हैं आप उसके अनुसार से परिवर्तन उपाय सब करने का प्रयास करेंगे, और उससे आपके जीवन में जो घटनाएं आपको परेशान देने वाली हैं उनसे आप बच पाएंगे। इसके बाद भी कोई प्रश्न मन में हो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, और अपने जन्मपत्री, अपने विचार के संबंध में कुछ विचार विमर्श करना हो तो विवेकानंद योग आश्रम का सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।